मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का पास पेपर है 2019 सेकंड ग्रुप। इसमें एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे विद देयर शॉर्टकट ट्रिक्स। फर्स्ट एमसीक्यू है, द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ अ साइड 4 मीटर्स एंड एरिया डेल्टा इन स्क्वायर मीटर्स इज व्हाट। आपसे सर्कम रेडियस पूछा गया है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। सर्कम रेडियस क्या होता है? उस सर्कल का रेडियस जो ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस को कवर करते हैं और अपने अंदर इस ट्रायंगल को कंटेन कर जाता है। ये जो इसका रेडियस होता है, इसको हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करवाते हैं। इस रेडियस को हम किस चीज के साथ डिनोट करवाते हैं? कैपिटल आर के साथ। और चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने इसका फॉर्मूला याद किया होगा, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स डेल्टा। अब देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अगर एक साइड की मेजरमेंट 4 मीटर्स है, यानी इफ ए इज इक्वल टू 4 मीटर्स, तो फिर जो बाकी दोनों साइड्स होंगी वो भी 4 मीटर्स होंगी। तो यहां ऊपर ए बी सी की वैल्यूज डाल दो, 4 × 4 × 4, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू गिवन नहीं है हमें, एज इट इज रखेंगे। 4 से कैंसिल होगा, बाकी 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाय डेल्टा। देयरफॉर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आपसे वैल्यू पूछी गई है कि यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि रिजल्टिंग स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो आप देखो, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 अगर कहीं पर लिखा हुआ हो, इस बात का मतलब ये होता है कि आपने ये सोचना है कि साइन थीटा के अंदर यहाँ थीटा की कौन सी वैल्यू लगाएं कि आंसर हमारे पास 1/2 आ जाए। तो अगर आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद किए हुए हैं जुबानी, तो आपको आइडिया होगा कि ऐसा 30 डिग्रीज पे होता है, यानी साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2। 30 डिग्री में होता है और रेडियन में होता है π/6। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम रिप्लेस कर सकते हैं π/6 के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज आ जाएगा π/2 − x। नेक्स्ट स्टेप में ये x लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा और π/6 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू π/2 − π/6। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम आएगा 3π − π/6, तो ये बनेगा 2π/6। कैंसिलेशन के बाद आंसर विल बी π/3। सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन cos x equals 1। तो आप जरा देखो, हम इसको लिखते हैं इक्वेशन को, कंसिडर cos x इज इक्वल टू 1। ये cos को आप राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये होगा cos इनवर्स ऑफ 1। अब आपने ये सोचना है, जब भी cos इनवर्स ऑफ 1 लिखा हुआ होता है, आपने ये सोचना है कि cos की वो कौन सी वैल्यू जो इधर थीटा एंगल की जगह पे पुट किया जाए तो रिजल्टिंग वैल्यू 1 आ जाए। तो आप लोग जानते हो कि cos जो है वो 0 के ऊपर 1 आंसर देता है, तो इसका आंसर आएगा 0। उसके बाद आपने जनरल सोल्यूशन मालूम करने के लिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन है, आपने जनरल सोल्यूशन मालूम करने के लिए इसके अंदर आपने 2nπ ऐड करना है। आपने इसके अंदर क्या ऐड कर देना है? 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो 0 + 2nπ = 2nπ, तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रैशनल? याद रखिएगा, e की वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7128 एंड सो ऑन। और याद रखिएगा, e इज कॉल्ड आयलर्स कांस्टेंट या इट इज आयलर्स नंबर। याद रखिएगा, e एक इरेशनल नंबर होता है, सो ए ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। रैशनल की बात हो रही है, उसने रैशनल पूछा। इसी तरह आप देखो, √3 / √2, प्राइम नंबर का जो स्क्वेयर रूट होता है वो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, ऐसा आपने चैप्टर 1 में प्रूव भी किया था। इसी तरह 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। जब आप एक इस शक्ल के प्राइम नंबर को इस शक्ल के प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो तो रिजल्टिंग आंसर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये भी गलत हो गया, आप जानते हो पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। अब ये रैशनल कैसे होगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन हम देख लेते हैं।
यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन करो, 3 4s are 12 और यहाँ पे आ जाएगा 3 25s are 75। उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और नीचे 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। नाउ ये नंबर आपने एक्सप्रेस कर दिए इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक ट्रिकी एमसीक्यू है, इसकी मैं आपको जरा एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे लिख के, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं, आप जरा गौर करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या खास बात है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स स्विच हो चुके हैं, इंटरचेंज हो चुके हैं, यानी ऊपर ए रियल पार्ट था, नीचे वो इमेजिनरी पार्ट बन गया। ऊपर वाले का रियल पार्ट, नीचे वाले का इमेजिनरी पार्ट सेम सेम है, तो ऊपर जो बी इमेजिनरी पार्ट था वो नीचे आके रियल पार्ट बन गया। तो जब इस तरह की चेंजिंग मौजूद हो, इस तरह की शफलिंग हो चुकी हुई हो, तो याद रखिएगा ऐसे कंप्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 आता है रिगार्डलेस ऑफ द साइन। यानी साइन इनके बेशक डिफरेंट हो जाए, ऊपर नीचे साइन कुछ भी हो, बस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। जो बी ऊपर था वो बी का मैग्नीट्यूड अगर नीचे रियल पार्ट बन जाए, आंसर इसका हमेशा 1 आता है। अब आप देखो जरा, ऊपर -4 था तो मैंने कहा साइन डजंट मैटर हियर, तो ऊपर -4 है, नीचे +4 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, ऊपर जो रियल पार्ट था नीचे इमेजिनरी है, और ऊपर जो इमेजिनरी पार्ट था उसका ऑपोजिट जो है वो नीचे रियल पार्ट बन गए, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, यानी ऊपर जो आपके पास, यानी ऊपर जो आपके पास बन रहा है रियल पार्ट वो नीचे का इमेजिनरी पार्ट हो, और ऊपर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो नीचे का रियल पार्ट हो, ऐसा सिर्फ तब होगा। और अगर ऐसा गिवन ना हो, कोई डिफरेंट सिचुएशन आ जाए जिसमें ये लॉजिक ना लग रही हो, तो फिर आप लोगों ने डायरेक्ट डेफिनेशन लगानी है और वो जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है इसके जरिए आपने करना। नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज इक्वल टू द सेट। अब आपने यहां पे जरा गौर करना है, ये एक कंडीशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखो ये जो माइनस एन है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव एन होगा। नाउ टेकिंग एन एज कॉमन, एन को कॉमन निकालोगे तो ये एन इंटू एन प्लस वन बनेगा। अब ये कंजेक्टिव नंबर्स हैं और राइट साइड पे जीरो है, तो आइदर फर्स्ट नंबर एन इज इक्वल टू जीरो और द सेकेंड नंबर एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एन राइट हैंड साइड पे आके माइनस वन हो जाएगा। आप देखो ये जो आंसर है, एन की वैल्यू है, ये सिर्फ आपने इंटीजर सेट में से उठानी है, नॉन इंटीजर वैल्यू को आपने इग्नोर करना है, वो वैल्यू जो इंटीजर नहीं होगी उसको इग्नोर करना है। तो आप देखो जीरो इज इंटीजर, इग्नोर नहीं होगा, माइनस वन इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो दोनों वैल्यूज इग्नोर नहीं होंगी, दोनों वैल्यूज को आपने इंक्लूड करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज, ये इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊं, इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन गिवन नहीं है। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है वो बेसिकली एक एडिशन के लिहाज से सेमी ग्रुप बनाता है, ऐसा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो एक भी ऑप्शन इस बात को कंटेन नहीं किए हुए। तो मेरे ख्याल से जब जिस से साल ये 2019 में आया था ये पेपर, तो इसका एक नंबर स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था। अब मेरे नॉलेज में नहीं है कि मिला नहीं मिला, बहरहाल टेक्निकली मैथमेटिक्स की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी मेंशनड है, आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 2 में लास्ट एक्सरसाइजेस में 2.8 है आई गेस। सो तो ये जो है, मैं वन बाय वन सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मोनॉइड क्यों नहीं है? मोनॉइड बेसिकली एक ऐसा सेमी ग्रुप होता है जिसके पास आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी हो जाए। एडिशन की बात हो रही है तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। चूंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर ये मोनॉइड नहीं हो सकता। उसके बाद ग्रुप एक ऐसा मोनॉइड होता है, अगर एक सेट मोनॉइड ही नहीं है तो वो ग्रुप बन ही नहीं सकता। पहली बात, ग्रुप नहीं है तो अबेलियन ग्रुप भी नहीं बन सकता, और ये सिर्फ सेमी ग्रुप है। तो यहाँ नॉट हटा के ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, अगर ये ना हो देन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। ये नंबर 8 है, लेट ए एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म विद रैंक ए लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स।
देन सिस्टम है, ये देखो होमोजीनियस सिस्टम की बात हो रही है, राइट हैंड साइड पे चूंकि नल मैट्रिक्स है, जीरो है, तो देयरफॉर ये होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस का जो क्राइटेरिया होते हैं आपके पास, वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए तो आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स आ जाएंगे आपके पास, और उन इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स में से एक ये ट्रिवियल सोल्यूशन भी इसमें शामिल होगा। ये टेक्निकल पॉइंट है, याद रखिएगा। और आपने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन यूनिक होता है, और वो आपके पास सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन होता है। ऊपर वाले केस में इसके साथ इन एडिशन और भी बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स आते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही आंसर आता है। अब यहां पर क्या सिचुएशन है, रैंक की बात हो रही है। रैंक जब नंबर ऑफ, यहां पे मैं लिखता हूं, व्हेन रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, तो ये आपके पास फर्स्ट वाली सिचुएशन बनती है। ये कौन सी सिचुएशन बन जाती है, ये केस चला जाता है फर्स्ट केस के अंदर। तो याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसका अल्फा ऑप्शन दुरुस्त नहीं होगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। डेल्टा ऑप्शन भी इसका दुरुस्त नहीं होगा, उसमें सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन लिखा हुआ है। बीटा ऑप्शन भी गलत होगा बिकॉज मोर देन वन फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आते हैं आपके पास, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब देखने में ये स्टूडेंट्स को ऐसे फील होता है कि भाई इतना लेंथी क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज में क्यों आ गया, तो ये बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। इसकी ट्रिक है कि देखो, ये जो मेन डायगनल है ना आपके पास, ये वाला जो डायगनल है, इसके ऊपर वाली सारी एंट्रीज जीरो है, सच दैट उनको ज्वाइन करने से ट्राइंगल बनती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसके डायगनल से ऊपर वाली सारी एंट्री जीरो हो और जीरोस को मिलाने से एक डायगनल बन जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स अगर लोअर ट्रायंगुलर हो, अपर ट्रायंगुलर हो या सिंपली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मेन प्रिंसिपल डायगनल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ली जाती है। तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1 × 3 × −2 × 4। तो ये देखो क्या आता है, ये बनता है आई गेस सो −24। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट, ये एक कंडीशन गिवन है आपको, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 0, ये तीनों जो है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 0, तीनों जो है वो 0 के इक्वल है। यानी ये नीचे जो फोर ऑप्शंस में आपको पॉलीनोमियल्स गिवन है, उन चारों पॉलीनोमियल्स में से आपने आइडेंटिफाई करके दिखाना है कि वो कौन सी पॉलीनोमियल है जिसमें अगर x की जगह 1 डाला जाए या x की जगह 2 डाला जाए या x की जगह 0 डाला जाए, तीनों सिचुएशंस में आंसर हमेशा एक ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से ये चार्ली ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। तो सबसे पहले जरा इसके अंदर एक्स की जगह 1 पुट करके हम देखते हैं क्या आंसर बनता है। 1³ − 3 × 1² + 2 × 1, तो 1 − 3 + 2, तो ये आप देख लो, ये आ रहा है इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हम ये सेकंड नंबर पे यहां से देखने से पता चला कि x 2 डाल के देखते हैं क्या उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2³ − 3 × 2² + 2 × 2, तो ये बनता है 2³ = 8, 2² = 4, 4³ = 12 और 2² = 4, तो ये भी आपको नजर आ गया, ये भी 0 आ गया। अब जो है x की जगह 0 लगाते हैं, तो चूंकि तीनों के अंदर x मौजूद है, तो प्रोडक्ट की वजह से इसका आंसर भी तीसरे केस का भी 0 आएगा। तो ये एक ऐसी पॉलीनोमियल है चार्ली ऑप्शन वाली जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, यानी उसमें x की जगह पे अगर 1 डाला जाए, 0 डाला जाए या 2 डाला जाए, तीनों सिचुएशंस में सेम आंसर आएगा, दैट इज 0। What are the distinct roots of this equation? इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं।
एज अ स्टूडेंट बैक सॉल्व करना ज्यादा आसान सिंपल और इजी रहता है, तो मैं आपको बैक सॉल्व करके बताता हूँ। दूसरा मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो आपको ट्राई कर लीजिएगा बेशक, बट वो थोड़ा सा लेंथी होगा। आपने बैक सॉल्व का ये मतलब होता है कि आपने वैल्यूज को पुट करना है और जो है आपने चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज हैं जो अगर x की जगह इधर रिप्लेस की जाए तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल इक्वल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड्स को बाय एक्स स्क्वायर, ताकि ये नेगेटिव पावर यहां से खत्म हो और हम अपनी कैलकुलेशन इजीली कर सकें। तो जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बनेगा एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन के अंदर बारी बारी सारी वैल्यूज को पुट करके हम चेक करेंगे और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन वेरीफाई होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को हम ट्राई करते हैं, प्लस माइनस देखो यहाँ पे जिस जगह पे भी x आ रहा है दोनों जगहों पर x की वैल्यू इवन नंबर है, तो पॉजिटिव वैल्यू डालो या नेगेटिव वैल्यू डालो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम ये सबसे पहले साइमल्टेनियसली प्लस माइनस वन दोनों को पुट करके ट्राई करते हैं, प्लस माइनस वन की पावर फोर प्लस माइनस वन की पावर टू प्लस वन, देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। प्लस वन हो या माइनस वन हो, पावर जब फोर लोगे आंसर हमेशा प्लस वन आएगा। इसी तरह प्लस वन हो या माइनस वन हो, जब स्क्वेयर होगा तो आंसर हमेशा प्लस वन आएगा। इधर से वन इंटू टू ये हो जाएगा माइनस टू, ये देखो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो मतलब ये दोनों रूट्स इसके होंगे। फिर प्लस माइनस आयोटा को ट्राई करते हैं, अब एक्स फोर की जगह आप डाल दो प्लस माइनस आयोटा, आगे एक्स स्क्वेयर की जगह भी प्लस माइनस आयोटा डाल देते हैं और आखिर में प्लस वन, देखते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है नहीं। आयोटा प्लस हो या आयोटा माइनस हो, जब पावर फोर ली जाएगी दोनों सिचुएशंस में आंसर प्लस वन आएगा। आयोटा प्लस हो या माइनस हो, दोनों सिचुएशंस में आयोटा स्क्वायर का आंसर माइनस वन आएगा। तो ये हम देखते हैं यहां से, ये बनेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, प्लस टू हो जाएगा, तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन इसका ट्रू नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम चार्ली ऑप्शन को ट्राई करते हैं, चार्ली ऑप्शन अगर प्लस माइनस टू पुट करें, प्लस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। टू का स्क्वायर, टू की पावर फोर बनती है सिक्सटीन, यहां से टू की पावर टू बनती है फोर, फोर टू आर एट, तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि ये भी सेटिस्फाई नहीं होती। लास्ट ऑप्शन है प्लस माइनस वन का, इसको हम ट्राई करते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं कि प्लस माइनस, प्लस या माइनस वन डाला जाए दोनों सिचुएशंस में आपके पास जो है इक्वेशन वो वेरीफाई होती है, ऐसा हमने इधर देखा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। लेट मी रेज द इंक। अब आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स मे बी द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसको जरा हम पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। न्यूमिरेटर इज एज इट इज एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यू विल गेट वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स और यहाँ पे फोर प्लस एक्स। अब आपने देखना है ये टाइप कौन सी है, सब फैक्टर्स लीनियर है क्योंकि सबके अंदर एक्स की पावर इधर वन वन है और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि होल पावर भी वन वन है, तो ये टाइप नंबर वन का क्वेश्चन है। उसमें सिंपल वे में आप लिखते हो ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड आखिर में सी डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल देन ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, आपको गिवन है, हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अरिथमेटिक मीन इक्वल्स द ज्योमेट्रिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन अगर आपके पास दो नंबर्स ए और बी हो तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, उन दोनों के सम को टू पे डिवाइड कर देते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, दोनों की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लिया जाता है, ये हमें गिवन है कि दे आर इक्वल। अब इसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, फिर इसके बाद हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और राइट साइड पे आ जाएगा फोर ए बी, क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस फोर ए बी हो जाएगा इक्वल्स जीरो। फिर आप जरा गौर करो, टू माइनस फोर माइनस टू बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये तो फॉर्मूला बन गया है, किस चीज का फॉर्मूला बना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। आपको नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या बनी, जीरो। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ ए वन इज इक्वल टू माइनस वन, यहां पे हम लिख लेते हैं, हमें गिवन है ए वन इज इक्वल टू माइनस वन, और ये nth टर्म का फॉर्मूला है, देन फाइंड द सम एस थ्री ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। आपने पहली तीन टर्म्स का सम निकालना है। ए वन हमें गिवन है, तो ए टू फाइंड कर लेते हैं हम, उसके लिए हमें एन जो है वो टू लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे एन टू लगा दो, तो ये ए टू बन जाएगा, इस एन की जगह टू आ जाएगा, और इस एन की जगह टू करोगे तो टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन। फिर टू ए वन आप निकाल लो, वो माइनस वन गिवन है आपको, तो ये टू माइनस वन वन आ जाएगा। इसी तरह ए थ्री मालूम करने के लिए एन को हम थ्री इस्तेमाल करेंगे, एन की जगह थ्री पुट होगा, तो ए थ्री विल बिकम, इस जगह पे पुटिंग होगी थ्री प्लस ए टू। अब ए टू की वैल्यू हमारे पास वन है, तो ये बन गई फोर। अब फर्स्ट वैल्यू है आपके पास माइनस वन, सेकेंड वैल्यू है वन, एंड थर्ड वैल्यू है फोर। तो आपने इन तीनों को ऐड करना है S3 निकालने के लिए। S3 will be equal to A1 plus A2 plus A3, ये minus 1 plus 1 और 4, तो final answer is delta option. In how many ways a cricket team of 11 players can be selected out of 15 players if the captain must be included in each way? अब आप जरा यहां पे देखो, गौर करो कि टोटल हमारे पास प्लेयर्स अवेलेबल कितने हैं, 11, सॉरी 15। ये देखो टोटल प्लेयर्स हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, टोटल अवेलेबल प्लेयर्स हैं 15, और सेलेक्ट हमने कितने करने हैं, टीम कितने की बननी है, 11 प्लेयर्स की। तो आर की वैल्यू है हमारे पास 11। अब वो कहता है कि If captain must be included in each way, कहते हैं जब भी आप 11 players को जो है वो count करोगे, consider करोगे, तो उसमें captain जरूर आपने consider करना है, ठीक है? तो captain को जरूर आपने include करवाना है। तो captain जब हमेशा include होना है, तो ये तो understood है कि वो हमेशा include होगा। तो जब ऐसे understood हो जाता है कि एक या एक से ज्यादा बंदे इंक्लूडेड हैं, तो हम उसी हिसाब से वैल्यू कम कर देते हैं। अब हम n को 15 नहीं यूज करेंगे, बल्कि n को हम 15 माइनस 1 यानी 14 यूज करेंगे, क्योंकि वो कैप्टन तो इंक्लूडेड है, हमेशा हर सेटिंग में इंक्लूड होगा, तो उसको हम साइड पे कर देते हैं, तो पीछे 14 प्लेयर्स रह जाएंगे। इसी तरह टोटल में से अलहदा किया, तो इसमें से भी अलहदा करोगे, यानी इस क्वेश्चन में अब जो है वो r यूज होगा 10। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें चाहिए एन सी आर विथ n equal to 14 and r equals to 10। अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पढ़े आपने, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हम कहते हैं कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यानी कि इसको आप लिख सकते हो 14 सी 14 माइनस 10, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 14 सी 14 माइनस 10 हो जाएगा 4 14 सी 4। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक कॉइन की बात हो रही है। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन है जिसको दो मर्तबा टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टू विल बी द सेम। देखो जब भी दो एक कॉइन को जो है दो दफा टॉस किया जाता है, तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनती है वो कैसे बनती है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी फर्ज करो जब हमने कॉइन को टॉस किया फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास आ गया हेड। सेकंड टाइम हमने टॉस किया तो फिर आ गया हेड, एक ऑप्शन ये बनता है। दूसरा ऑप्शन ये बनता है, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में हेड आया हो और सेकेंड टाइम में टेल आ गई हो। फिर ये भी हो सकता है कि जब हमने कॉइन को टॉस किया तो फर्स्ट टाइम में टेल आई हो और सेकंड टॉस में जो है हेड आया हो।
या ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टॉस करो या सेकंड टाइम टॉस करो, दोनों दफा में हेड आ गया हो, हेड हेड आ गया हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हो गई। और अब देखो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4। फिर हम लेट करते हैं, ए वो इवेंट है, ए रिक्वायर्ड इवेंट है। रिक्वायर्ड इवेंट क्या है, जब दोनों रिजल्ट्स सेम होंगे। दोनों रिजल्ट सेम होने का मतलब है या दोनों हेड आ जाए, सॉरी यहां पे मुझे टेल लिखना चाहिए था, या दोनों टेल्स आ जाए। इवेंट हमने बना लिया हेड हेड या टेल टेल, ठीक है। तो इसमें आपको नजर आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज इक्वल टू 2। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 2 है, एन ऑफ एस 4 है, कैंसिलेशन करोगे तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के बारे में जरा आपने ध्यान करना है कि ये आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। यहां ऊपर आपको नजर आ रही है जो ऊपर वाला नंबर होता है, दिस इज इक्वल टू एन, तो एन यानी इस सवाल में हमारे पास 7 है। और नीचे वाले नंबर्स को के ऊपर गौर करो आप, ये सारे नंबर्स इवन है। तो इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का जो सम होता है, यहां पे मैं उसका फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूं, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट एन माइनस 1। आप देखो 2 पावर n माइनस 1, n 7 है, ये जो ऊपर की वैल्यू सेम होती है जो सब जगहों पे, ये n होती है, तो n की जगह 7 पुट करो, माइनस 1, तो ये बना 2 पावर 6, दैट इज इक्वल टू 64। 18th क्वेश्चन है, द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 40 डिग्रीज एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 मीटर, व्हाट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। आपने इसमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, रेडियस गिवन है 3 मीटर्स, ठीक है। तो रेडियस जो आपके पास होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r² × θ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियन में पुट की जाती है, रेडियन में पुट नहीं करोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो 40 डिग्रीज को रेडियन में ले जाने के लिए हम कैसे, 40 डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 और 2 9s are 18, तो ये बनेगा 2π/9 रेडियन। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे, हाफ आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू 3 है तो 3² होगा, थीटा की वैल्यू है 2π/9। अब आगे हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 1/2, 3 का स्क्वेयर 9, 2, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416 और नीचे 9 आ जाएगा, फिर ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद जो है ये आपको नजर आ रहा है 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो खाली हमारे पास ये बच जाएगा 3.1416 विच इज इक्वल टू पाई। तो यानी पाई की वैल्यू ना भी डालते तब भी ठीक था, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। ये याद रखिएगा, टेन एक्स की रेंज होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस टेन, फिर इनके रेसिप्रोकल्स आते हैं कोसेकेंट सेकेंट एंड कॉट। इन सब की डोमेन और रेंज आपको फिंगर टिप्स पे जुबानी याद होनी चाहिए, और इस मकसद के लिए चूंकि ये याद करना एज अ स्टूडेंट काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं और इनके साइंस बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो एज अ स्टूडेंट याद नहीं रहता कि कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा और कहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है। तो उस मकसद के लिए इसको याद करने की, मेमोराइज करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसकी बेस पे एक वीडियो लेक्चर चैनल के ऊपर मौजूद है, वो आप जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद फिंगर टिप्स पे आपको ये टेबल याद हो जाएगा कि कौन सी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड वहां पे सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के The primary period of 1/3 cos kx is equal to 2π/3. इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। याद रखिएगा,
प्राइमरी पीरियड ऑफ प्राइमरी पीरियड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस पी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय पी। ये ए कोई नंबर होगा जो कॉस एक्स के पीछे मल्टीप्लाई हुआ हुआ होगा। जैसे अगर आप इसको कंपेयर करो ए कॉस पी एक्स के साथ, तो ए विल बी इक्वल टू 1/3, पी विल बी इक्वल टू के। तो अब हम वैल्यू डाल देते हैं, प्राइमरी पीरियड ऑफ 1/3 कॉस के एक्स क्या होगा, जब यहाँ पे पी था तो पी पे डिवाइड किया, अब जब के आ गया तो के पे डिवाइड करोगे। अब आपको गिवन है कि प्राइमरी पीरियड ऑफ 1/3 कॉस के एक्स इज इक्वल टू 2/3, तो इधर लेफ्ट साइड पे पीरियड की जगह पे आप 2π/3 डाल दो और राइट साइड पे मौजूद है 2π/k। तो देखो 2π 2π के इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा एंड k विल बी इक्वल टू 3। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।